आप देख रहे हैं KDS न्यूज, बेहतरीन खबर के हमारे। गोला पुलिस ने प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों से की अभद्रता, गर्दन पकड़कर निकाला बाहर। पुजारी ने बंद की श्रृंगार पूजा। पुलिस ने मुख्यमंत्री के निर्देशों का उड़ाया मखौल। पूरे मामले पर आनंद तिवारी की रिपोर्ट। बोला करुणनाथ नाथ खीरी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के महीने में कांवड़ियों श्रद्धालुओं पर फूल बरसा कर निर्बाध दर्शन कराने के आदेश दिए हैं, किंतु यहां के प्राचीन गोकर्णनाथ शिवालय में पुलिस ने शिव पूजा करने आए श्रद्धालुओं को गर्दन पकड़ कर धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया, जिससे रुष्ट होकर पुजारी ने श्रृंगार पूजा बंद करवा दी। घटना रविवार की रात लगभग 9:15 बजे की है, जब शिव मंदिर में श्रद्धालु भगवान शिव की श्रृंगार पूजा में गए थे। मंदिर के पुजारी दिनेश चंद्र मिश्र जालू पर उठाकर श्रृंगार पूजा की तैयारियां कर रहे थे, तभी मंदिर में पीली टी शर्ट पहने कोतवाल विवेक कुमार उपाध्याय पहुंचे और उन्होंने शिवजी के दर्शन पूजन के लिए आए श्रद्धालुओं की गर्दन पकड़ कर धक्के मारकर मंदिर से बाहर करना शुरू कर दिया। अन्य पुलिस कर्मियों ने भी शिव भक्तों को धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। यही नहीं, पुजारी जी द्वारा पूजन के लिए लाई गई कंडिया भी पुलिस कर्मियों ने दूर रख दी और पुजारी के पुत्र के साथ भी दुर्व्यवहार किया, जिस पर पुजारी दिनेश चंद्र मिश्र ने कड़ा ऐतराज किया और शिवलिंग के ऊपर उठाया गया जाल बंद करवा दिया और मंदिर से यह कहकर बाहर निकल आए कि अब हम शिवजी की श्रृंगार पूजा नहीं करेंगे। बाद में श्रद्धालुओं के आग्रह पर पुजारी दिनेश चंद्र मिश्र पुनः मंदिर में गए और श्रृंगार पूजा शुरू कराई, किंतु पुलिस कर्मियों के दुर्व्यवहार के कारण मंदिर के अंदर श्रद्धालु मौजूद नहीं थे। इस घटना से श्रद्धालुओं में काफी रोष है। लोगों ने दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। शिवालय के अंदर 4 CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिनसे मंदिर के बाहर लगे टीवी में प्रसारण भी हो रहा था। उक्त घटनाक्रम CCTV की फुटेज में देखा जा सकता है। जी, आप पौराणिक शिव मंदिर के प्रधान पुजारी हैं। कल जिस समय पुलिस ने शिव मंदिर के अंदर जो शिव भक्तों के साथ में अभद्रता की है, उस समय आप श्रृंगार पूजा करा रहे थे, आरती का समय था, तो क्या हुआ था पूरा वाक्य? आरती का समय चल रहा था, आरती पूजा चालू हो गई थी, इतने में ही पुलिस आई और भक्तों के साथ धक्का मुक्की करने लगी, सब पब्लिक को बाहर निकाल दिया। हमको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कोई अंधे में गिर जाए या जाल के अंदर गिर जाए, चोट उट लग जाए, तो धक्का मुक्की से बचते हुए हमने उस जाल को बंद करा दिया। जल बंद कराने के बाद बाहर निकल गए, अपनी कंडिया सामान पूजा का किनारे रखवा के बाहर निकल गए। बाद में बहुत देर, आधा पौन घंटा तक पब्लिक सब निकल गए, केवल पुलिस वाले ही अंदर रहे। उसके बाद 10:30 बजे आरती चालू हो पाई। तो क्या कहना है ऐसे पुलिस के किस कृत्य पर? नहीं, इस प्रकार से पब्लिक के साथ धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही शोचनीय विषय है, इसके लिए ऐसा मंदिर के अंदर होना अनुचित है। क्या आप तो बरसों से करा रहे हैं, क्या ऐसा कभी पहले कभी हुआ? नहीं, भीड़ इससे ज़्यादा हुई, बहुत भीड़ हुई, लेकिन इस तरह से अभद्रता नहीं करी गई कभी, ना किसी को धक्का दिया गया, ना किसी पे हाथ छोड़ा गया, ये सब नहीं होता, पब्लिक स्वेच्छा से निकल जाती है। अब आरती जब होती है तो आरती के समय 100-200 आदमी होता ही, जब ज़्यादा दबाव पड़ता है दरवाज़ा बंद करके आरती हमको करना पड़ता है। जो धक्का मुक्की कर रहे थे उसमें कोई कौन कौन पुलिसकर्मी थे? अब ये गोला के ही लोग, दरोगा वगैरह, सब सिपाही वगैरह दरोगा थे।